उम्मे अहमद बीबी फिजा किस अंदाज से लेकर दरबार में लेकर गई होंगी। रिवायत के जुमले हैं कि जब बीबी जा रही थी ना दरबार, दरबार में जब जा रही थी बीबी 18 बरस की थी, जब दरबार से वापस आ रही थी रावी कहता है कि मैं रसूल की बेटी को पहचान न सका, रसूल की बेटी का एक बाल भी। रसूल की बेटी का एक बाल भी काला नहीं था। यानी इन लोगों ने 4-5 घंटे में रसूल की बेटी की वो हालत कर दी थी कि रसूल की बेटी को ये कहना पड़ा, ए बाबा तेरे जाने के बाद अगर ये मसाइब दिन पर टूट पड़ते तो सिया रातों में तब्दील हो जाते। खैर बीवी घर की तरफ जाने लगी, इतने में एक मलाउन आता है। मलाउन कहता है ये जो सनद तुम्हारे हाथ में है ना ये मुझे दे दो। यकीन इमाम हसन मौजूद है, इमाम हसन कमसिनी के आलम में है। रिवायत के जुमले हैं, इमाम हसन कहते हैं कि मैंने देखा मेरी जन्नत जहरा से उस बरके को छीना गया, छीनने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, टुकड़े टुकड़े करने के बाद इमाम हसन कहते हैं मैंने देखा मेरी जन्नत जहरा पर उस जालिम ने एक ऐसा तमाचा मारा था। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन कहते हैं मैं मरते दम तक इस वाकी को न भूला, मेरी यकीन करे मेरी जद्दा जहरा पर जब ये तमाचा लगाया मैं उस वक्त मौजूद था। अस्हाब कहते हैं इमाम हसन से, इमाम जब बड़े हो जाते इमाम आप इस गली से नहीं गुजरते, इस गली से घूम कर जाते हैं। इमाम कहते हैं ऐ जालिम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तुझे पता है एक बेटा हो और बेटा भी गैरतमंद हो, उसके सामने उसकी मां को तमाचा मारा जाए। अल्लाह एक बेटा हो बेटा भी गैरतमंद हो उसके सामने उसकी मां को तमाचा मारा जाए और माँ भी सैयदुन्निसाई आलमीन हो, जन्नत की सरदार हो, उसको तमाचा मारा जाए, वो बेटा यकीन करने कैसे जिंदा रहेगा, कैसे इस गली से गुजरेगा कि जबकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि जब उसकी माँ को जमीन पर गिराया गया वो जालिम लाठी मार रहा था। وسيعلم الذين ظلموا أن يعقوا القلبين يقلبون ما تميه سيئا